लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाए ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। 40 साल की उम्र में पहली वही इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक नाज़िल होती है तो फिर मेरा नबी बहैसियत नबी तशरीफ लाता है। वो नबी तो हमेशा से थे, यानी कि जब से अल्लाह ने चाहा तब से नबी थे, जब से वो पैदा हुए थे तब से नबी थे। इसलिए कि नबी तो हादिस है, कदीम नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुमकिनुल वजूद है, वाजिबुल वजूद नहीं। लेकिन फिर मेरे अल्लाह ने उन्हें नबुवत उस वक्त दी जब आदम और हव्वा पानी की और मिट्टी की मंजिलों को अभी तय भी नहीं किए थे, तब से नबुवत थी। उस वक्त भी नबी थे जब आदम और हव्वा मिट्टी और पानी के दरमियान की कैफियत तय कर रहे थे। आबो गिल में नूर की पहली किरण, आबो गिल में नूर की पहली किरण, जानो अव्वा, जाने आदम, जानो जाने हव्वा आप है। लेकिन जब लोग कहते हैं या रसूल अल्लाह देर न करे, तशरीफ लाए, मजलूमों की फरियाद को पहुंचे, गमों में डूबे वो की गमगुसारी कर दे, मेरे सरकार यतीमों के सर पे हाथ रख दे, बेवाओं को सुहागन बना दे, तो आमिना का लाल 40 साल की उम्र में आयत लेकर के जिस वक्त आता है नबुवत के ऐलान के तौर पर, 3 साल तक के कलील मुद्दत के अंदर जो है वो खुफिया तबलीग का ऐलान था। उसके बाद जो है वो तेरे 40 साल की उम्र में फारान की चोटी पर खड़े होकर के ऐलान नबुवत अलल ऐलान था। मेरे नबी ने, सारी दुनिया कह रही है कि वो देर न करे तशरीफ लाए, अदल लेकर, इंसाफ लेकर, नमाज लेकर, कुरान लेकर, ईमान लेकर, हिदायत लेकर, खुदा का पता लेकर के जब वो महबूब आता है कि एक एक बातें आम करूंगा, खड़े होकर कहता है कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहु, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहु, लोगो ला इलाहा इल्लल्लाह कहो कामयाब हो जाओ, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह फदखल अल जन्नत, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो जन्नत में दाखिल हो जाओ, ला तुहबुल तुम्हारे माबूद नहीं, पत्थर तुम्हारे माबूद नहीं, मिट्टी तुम्हारे माबूद नहीं, मुर्दा तुम्हारे माबूद नहीं, नाक पे बैठने वाली मक्खी को जो हटा नहीं सकते तुम्हारे माबूद नहीं, तो तुम इन्हें पूजते हो। सगे चचा ने गालियां देकर यूं कहा कि तेरे हाथ टूट जाए। अल्लाह अकबर, उस वक्त भी मेरे रसूल की कदर न की गई। आप देख रहे हैं इतनी शान वाले रसूल की कदर कहां की गई, कब की गई। लेकिन फिर एक वक्त भी वो आया, वो हबीब तबलीग करता है, मैं महज चश्मे तसव्वुर से अब आपको लेकर के जाऊं, वो महबूब जो उन्हें जहन्नम से बचाना चाहता था, जो दुनिया कहती थी या रसूल अल्लाह देर न करे तशरीफ लाए, वो आमिना का लाल आ गया, वो पैगंबर आखिरुज़ ज़मा आ गया, वो खत्मीए मर्तबत आ गया। तो हाल ये हुआ कि दुनिया ने ये सलूक किया, दुनिया ने ये सलूक किया लोगों के, ऊंट की ओजड़ी मेरे मुस्तफा के वजूद पे रख दी, लेकिन एक छोटी सी बच्ची जिसको छोटी कहना मेरे ईमान के लिए मुझे खतरे की घंटी लगती है, मैं उसे छोटी नहीं कह सकता। इसलिए कि तारीख में आता है वो बच्ची तो उम्र के एतबार से कम थी, लेकिन जब चलती थी तो लोगों को यूं लगता था जैसे अर्श चल रहा है, अर्श लर्जा पर अंदाम है। वो छोटी सी नन्नी सी बच्ची आती है और आने के बाद उजड़ी को हटाती है और रोते हुए कहती है, बाबा ये कितने जालिम है, आप पे जुल्म करते हैं। तो वो रसूल कहता है, मेरी बेटी ये मुझे नहीं जानते, जिस दिन मुझे जान लेंगे उस दिन मेरे साथ ऐसा न करेंगे। फिर या रसूल अल्लाह, आप पर ओजड़ी ही नहीं रखी गई मेरे आका, मेरी जान, आपको वतन से निकाल भी दिया गया। आका, आपको सिर्फ वतन से निकाला न गया या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह देर न करे तशरीफ लाए का ऐलान करने वालों ने फिर आपको बद्र में खड़ा किया, मजबूर किया बद्र में आने से। उसके बाद आपके यारों को शहीद किया, आपके यारों को जख्मी किया आका, लेकिन अल्लाह ने आपको फता दिया आका। फिर उसके बाद उहद को मुसल्लत किया, मेरे सरकार बहुत में आपको जख्मी किया, रुखसारों में कड़ियां घुसा दी, जिन रुखसारों की कसम बद्दुआ कहकर खुदा याद करता है उन रुखसारों में कड़ियां घुसा दी, जिन दंदान को कुरान व नज्म कहता है उन दंदान को शहीद कर दिया आका। आज भी मैं आपके दंदान को तसव्वुर में शहीद होता हुआ देख रहा हूं, मेरी कौम भी शबे मिलाद में देख रही है आका, गोया के तसव्वुर ने हम पे करम कर दिया है, हम तसव्वुर ही तसव्वुर में सीरत की सैर कर रहे हैं, रुखे पाक के मुस्तफा को देख रहे हैं। हुजूर, हमने आपको जाहिर में तो नहीं देखा, लेकिन चश्मे तसव्वुर से हम आपके सरापा को देख रहे हैं। इसलिए कि हमारे दरमियान एक ऐसा इमामिश को मोहब्बत भी जलवागर हुआ, जिसने सलाम पढ़ा तो पूरे सलाम में आपका सरापा पेश कर दिया, जिसकी तस्कीर से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम, जिसके आगे सरे सरवरा खम रहे, उस सरे ताजे रिफत पे लाखों सलाम, उठ गई जिस तरफ दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम, जिसके सजदे को मेहराब काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम, हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों
लाखों सलाम, वो दहन जिसकी हर बात वही है खुदा, चश्मे इल्म हिकमत पे लाखों सलाम, वो दहन जिसकी हर बात वही है खुदा, चश्मे इल्म हिकमत पे लाखों सलाम, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज़ हुकूमत पे लाखों सलाम, पतली पतली गुले कुछ की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम, खाई कुरान खा के गुजर की कसम, उस कफे पा की हिम्मत पे लाखों सलाम, अल्लाह अल्लाह वो बचपने की फबन, उस खुदाबा की सूरत पे लाखों सलाम, वो मुस्तफा वो मुश्तबा जिसके गुलामों ने पूरा होलिया खींचा, किसी ने एक सलाम लिखकर तवील, किसी ने दो मिसरों में परी पैकर निगारे, सर्व कत्ते उन्होंने दंडान शहीद करवाए मेरे सरकार। लेकिन फिर ये भी हुआ, अल्लाह ने आपको जानिसार अता किए, मिला तो अबू बकर जैसा जानिसार, मिला तो उमर जैसा जानिसार, मिला तो उस्मान जैसा जानिसार, मिला तो अली जैसा जानिसार, मेरा नबी आया और दुनिया जिस मकसद के लिए पुकार रही थी, या रसूल अल्लाह देर न करे तशरीफ लाए, उसने यतीमों को माँ बाप वालों के लिए रश्क बना दिया। फिर दुनिया ने देखा जब वो ईद पढ़ने नबी जाता है तो एक यतीम बच्चे को देख करके अपनी यतीमी याद आती है, और ईद के आधे रस्ते से वो ईदगाह के आधे रस्ते से वो नबी पलट आता है। मैं पूरे वाक्य बयान नहीं कर सकता, माजूर हूँ, माजरत चाहता हूँ, वक्त की तंगी मेरे कदमों में बेड़ियां डालती है। इश्क कहता है आगे बढ़ता जा बोलता जा, इश्क की जबान अहले इश्क खुद ही समझ लेंगे, इशारा करता जा बढ़ता जा, इसलिए कि कबूलियत के लम्हात आ पहुंचे हैं। अभी तो एक नशिश्त और भी बाकी है, लेकिन मेरे रसूल ने यतीम को देखा, लोग यतीम को ठुकराते, उस रसूल ने यतीम को अपने कंधे पे बिठाया, बाप वाले कहने लगे काश ए मुस्तफा हम भी यतीम होते तो तेरा कांधा हमें भी मिल जाता। उस रसूल ने बेवाहों पर यूं किया, जब बेवा चिताओं पे जलाई जा रही थी, बेवा दफन की जा रही थी, बेवा कैद की जा रही थी, बेवा कत्ल की जा रही थी, एक मर्तबा नहीं दो दो मर्तबा बेवा होने वाली खदीजा को उम्मुल मोमिनीन बना दिया, तमाम मोमिनीन की माँ बना दिया। बेटियों को दफन किया जा रहा था, बेटी से इतना प्यार किया कफिदा के उम्मी वाबी या फातिमा कह के, उम्मे अबीहा कह करके बेटी को इतना बुलंद किया कि सबकी बेटियां पुलिस राज से गुजरेगी, अपने अंदाज से अपनी बेटी को इतना बुलंद किया कि जब उनकी बेटी पुलिस राज से गुजरेगी, आसमान का अल्लाह का मुनादी निदा देगा, महशर वालों गर्दन को झुका लो, मेरे नबी की बेटी फातिमा पुलिस राज से गुजर रही है, उसके एहतराम में सबकी गर्दनें झुक जाएगी। या रसूल अल्लाह फिर आपने हुनैन में भी शिरकत की, या रसूल अल्लाह आपने खंदक भी खोदी, या रसूल अल्लाह आपने फाके भी किए, आका आपने पेट पे एक एक नहीं दो दो पत्थर बांधे। तवज्जो चाहता हूँ, मक्के वालों में अबू जहल ने आपकी कदर न की, मैं जानता हूँ कि उसने आपको या रसूल अल्लाह जाना तो सही लेकिन माना नहीं, आका वो दुश्मन था, दुश्मन वो आपका कलमा नहीं पढ़ता था, उसने ना कदरी की वो दुश्मन था, या रसूल अल्लाह अबू लहब ने दुश्मनी की वो ना कदर था दुश्मन था, लेकिन या रसूल अल्लाह आपने जिनके लिए पेट पे पत्थर बांधे ना हुजूर, एक एक नहीं दो दो पत्थर बांधे, जिनके लिए दंडान शहीद हुए, जिनके लिए आपने जंगे की, जिनके लिए आप हुनैन में उतरे, जिनके लिए आप बद्र में उतरे, जिनके लिए आप उहद में उतरे, जिनके लिए आपने करबला में अपना घराना लुटाया आका, जिनके लिए फिर एक दिन वो भी आया कि आप 63 साल की उम्र में कहते हैं मैं रफीक आला से मिलने जा रहा हूँ, 63 साल की उम्र में अभी दाढ़ी के 12 बाल भी सफेद नहीं होते हैं कि मेरे रसूल कहते हैं जा रहा हूँ, किसी ने पूछा हुजूर क्यों जा रहे हैं, कहते इसलिए जा रहा हूँ ना मेरे आने वाले उम्मती बड़े मुजरिमों गुनहगार है, मैं जाकर अपने अल्लाह को मनाऊंगा और कहूंगा मौला अगर वो मुजरिम है तो क्या हुआ, मेरी नेकियां भी तो देख, अल्लाह वो पापी है तो क्या हुआ, मेरी महबूबियत भी तो देख, इसलिए 63 साल ही में चला जाता हूँ, क्योंकि उसको कौम बड़ी खुश नसीब है जिस कौम में नबी आए और अभी कौम पे अजाब ना आए और नबी चला जाए, नबी का आना भी मुबारक, नबी का जाना भी मुबारक, जाऊंगा तुम्हारा पेशरू होकर तुम्हारी सिफारिश करूंगा। या रसूल अल्लाह सारा जमाना कहता था तशरीफ लाए, लेकिन हम कितने खुश नसीब, आप कितने खुश, ये लोग कितने खुश नसीब, हुजूर हम ये नहीं कहते या रसूल अल्लाह तशरीफ लाए, हम तो ये कहते हैं हुजूर तशरीफ ला चुके हैं, लेकिन मेरे आका अब मैं परेशान हूं, मैं अपनी कौम को समझाऊं कैसे, जिनके लिए आपने पत्थर बांधे ना आका, वो 15 अगस्त तो मनाते हैं लेकिन आपका मिलाद नहीं मनाते आका,
आका जिनके लिए आपके घर में एक एक महीने तक चूल्हे जले, वो अपने चूल्हे नहीं जले, वो अपने बेटों की पैदाइश पर मिठाई तो बांटते हैं, हालांकि वही बेटा बुढ़ापे में उनको डंडे मार के घर से निकालने वाला है, उनको गालियां देने वाला है। आका वो बेटे की पैदाइश पर तो मिठाई बांटते हैं, आका अगर आपकी पैदाइश पे कोई खजूर बांटते ना हुजूर उस पे शिर्क का फतवा लगता है। या रसूल अल्लाह, अब मैं ये तो नहीं कह सकता ना कि आप तशरीफ लाए, आप तशरीफ ला चुके हैं या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह, जाहिल ही मना नहीं करते, आपकी मिलाद से आलिम भी मना करते हैं, पढ़े लिखे लोग भी वो पढ़े लिखे जाहिल भी मना करते हैं, हम हदीसें पेश करते हैं तो ज़ईफ कह के इनकार करते हैं, लेकिन या रसूल अल्लाह अब मैं आपसे फरियाद करता हूँ, दुनिया ने आपसे कहा है ना आप देर न करें तशरीफ लाए, आप तशरीफ ला चुके हैं लेकिन अपनी कब्र में आराम कर रहे हैं। उस वक्त यतीमों पे जुल्म हो रहा था तो यतीमों ने कहा था देर न करें तशरीफ लाए, बेवाओं पे जुल्म हो रहा था उन्होंने कहा देर न करें तशरीफ लाए। आका अब मैं भी इस उम्मत की तरफ से आपको आवाज लगाता हूँ, खासाने रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है, वो दीन जो निकला था बड़ी शान से वतन से परदेश में वो आके गरीबुल गुरबा है, हुजूर आप आ चुके लेकिन देर न करे करम फरमाए, क्योंकि बैतुल मुकद्दस में मेरी बहने लुट रही है, बैतुल मुकद्दस के बच्चे यतीम हो रहे हैं, बैतुल मुकद्दस में जवानों की लाशें खाक और खून में तड़प रही है। ए मिलाद वाले मुस्तफा, आज आपकी शबे मिलाद है, हुजूर देर न करे करम फरमाए, फिर किसी उमर को भेज दे ताकि बैतुल मुकद्दस पे इस्लाम का परचम लहरा जाए। या रसूल अल्लाह, जब काबे पे बुत सजे थे ना उस वक्त मक्का वाले कहते थे, काबा कहता था या रसूल अल्लाह देर न करे तशरीफ लाए, आका आज काबे पर बुत तो नहीं लेकिन काबे पे बुत नुमा मौलवी खड़े हैं जो आपको गालियां देते हैं, आपको मुर्दा कहते हैं, आपके मुसल्ले और मिंबर पे खड़े हो करके मिलाद वालों पे शिर्क का फतवा लगाते हैं। हुजूर आप गवाह है ना, उसी मक्के के अंदर कभी आमिना ने मिलाद मनाई थी, कभी अब्दुल मुत्तलिब ने, कभी अब्बास ने मनाई थी, कभी इब्ने मसूद ने, कभी शाह वलीउल्लाह ने, कभी गौसुल आजम ने। या रसूल अल्लाह, काबा खुद गवाह है कि उसने झूम झूम कर कहा था अब पुतों से पाक करने वाला आ गया। हुजूर मैं ये तो नहीं कहता कि तशरीफ लाए, इतना जरूर कहता हूँ या रसूल अल्लाह अब देर न करे करम फरमाए, तेरे हबीब का प्यारा चमन किया बर्बाद, इलाही निकले ये नजदी बला मदीने से, अगर बैतुल मुकद्दस खतरे में है हुजूर आपका गुंबद भी खतरे में है, आपका काबा भी खतरे में है, हुजूर आपकी बेटी को पैर में कांटा चुभे आपको ये भी गवारा नहीं होता था, हुजूर 1926 में नजदियों ने आपकी बेटी के मजार पे बिल्डोजर चला दिया, हाँ वही हलीमा जिसने आपको दूध पिलाया उसके मजार पे बिल्डोजर चलाया, हाँ आका वही अब्बास जिसने आपकी मिलाद बयान की थी और आपने कहा था हिन्नतु शफाती, उस पर मेरी शफात हलाल हो गई, आका उसी अब्बास के मजार पे बिल्डोजर चल गया, 10,000 सहाबा के मजार को वीरान कर दिया गया, अब गुंबदे खजरा की पारी कहने के लिए दुश्मन नाहंजार तैयार है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि देर न करे तशरीफ लाए, ये जरूर कहूंगा हुजूर देर न करे करम फरमाए, ए नबियों के इमाम तेरी इशारे से जब चांद टुकड़े हो सकता है तो तेरे इशारे से मुनकरीन मिलाद खत्म क्यों नहीं हो सकते। या रसूल अल्लाह, मेरा मुल्क हिंदुस्तान भी दुश्मनों के नरगे में है, आगरा में तेरी उम्मत को आका मुशरिक बनाया जा रहा है, राजस्थान की सरजमीन पर तेरे कलमा पढ़ने वाली उम्मतियों को मेरे आका कलमे से दूर किया जा रहा है, एक तरफ तो बुतों के पुजारी है जो उन्हें मुशरिक बनाना चाहते हैं, दूसरी तरफ अपने नफ्स के पुजारी है जो इन्हें शिर्क कह के आपसे दूर करना चाहते हैं। हुजूर मैं आपका फरियादी हूँ, मुझे उम्मीद है आप जरूर
मुतशिया का, आप जरूर करम फरमाएंगे आका, इसलिए कि मीलाद की रात है, इस रात कोई महरूम ना रहा आका, मैं भी महरूम ना रहूंगा। हुजूर हाल ये है, मुल्कों में फसादात होते हैं, मुसलमानों की दुकानें जलती हैं, मुसलमानों के मकान जलते हैं, मुसलमानों की बेटियां लुटती हैं। आका मैं आपसे कहता हूँ, देर न करें, करम फरमाए आका, लाजों में हमारी मुस्लिम बच्चियां बिक रही है। हुजूर जिन बेटियों को की पैदाइश पर आपने जन्नती होने का ऐलान किया था, वो बच्चियां बिक रही है। हुजूर मासूम मासूम बच्चों को स्कूलों के अंदर भूना जा रहा है, आका लंबी लंबी दाढ़ी वाले भून रहे हैं, लोग उनको गलती से मुसलमान समझ रहे हैं, लेकिन आका हम तो इतना जानते हैं, जो मिलाद वाला है वही मुसलमान है, जो मिलाद को शिर्क कहता है वो मुसलमान नहीं। आका वो जालिम बच्चियों को भून रहे हैं, बच्चों को कत्ल कर रहे हैं। हुजूर देर न करें, करम फरमाए, ताकि इस उम्मत को फिर इसकी इज्जत रफ्ता मिल जाए, इनकी पामाल हुई इज्जत मिल जाए। या रसूल अल्लाह देर न करें, करम फरमाए, ओ गुंबदे खजरा के मरकी हमारी मदद फरमाए, हमारा खोया हुआ वकार हमें अता कर दे, हमारी खोई इज्जत हमें अता कर दे, इसलिए कि आका आप करम करेंगे तो बेड़ा पार होगा, आप करम करेंगे तो इनकलाब आएगा। आका देर न करें, करम फरमाए, फिर ख्वाजा के हिंदुस्तान पर ख्वाजा वालों की हुकूमत हो जाए। या रसूल अल्लाह देर न करें, शाम लुट रहा है, इराक में दाइश ने मुसलमानों की गर्दन पे छुरियां रख दी है। हुजूर ये आपके वही उम्मती तो है जिनकी मोहब्बत में पूरी पूरी रात आप रोते थे। आका कमेंट शेयर जरूर करिए।